आइए, हमने आपको कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज करने सिखाया है, डे बुक सिखाया है, लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, राइट? ट्रायल बैलेंस से अपने को क्या पता चलता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कि लेजर पोस्टिंग सही हुआ है कि नहीं, प्लस माइनस सही हुआ है कि नहीं. देन आफ्टर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, वी फाइंड आउट, नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अपने फाइंड आउट करते हैं एडजस्टमेंट्स. जैसे कुछ कुछ फाइनेंशियल आइटम्स ऐसे होते हैं जो एंड ऑफ द ईयर ही पता चलता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, राइट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड. तो ये सारे एडजस्टमेंट्स व्हेन वी कम टू नो, सो वी फाइंड आउट दीज आइटम्स एंड देन वी प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, राइट? तो वी नो दैट आइटम्स इन ट्रायल बैलेंस कम्स वन टाइम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट दो बार. क्यों? क्योंकि वो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है. तो हम आपको लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स दे रहे हैं, उससे हमारा जर्नल एंट्री भी कवर हो जाएगा और फाइनल अकाउंट में उसका इफेक्ट भी पता चल जाएगा, राइट? आइए, सो हेडिंग देंगे आप लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड इट्स इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट. ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड इट्स इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट. बेसिकली जर्नल एंट्रीज करा रहा हूं मैंने आपको. जर्नल एंट्री कराने के बाद डे बुक बनाना सिखाया. जर्नल का ही सब डिविजन है ना, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस. आफ्टर ट्रायल बैलेंस वी फाइंड आउट इवेंट्स, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच वी विल कम टू नो एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड देन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. सो ट्रायल बैलेंस वाले आइटम्स एक बार आएंगे फाइनल अकाउंट में, एडजस्टमेंट्स वाले दो दो बार. क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है. सो वही सब मैं दिखाऊंगा आपको. मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूं, तो आइटम्स मीनिंग जर्नल एंट्री इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट इफ नॉट येट रिकॉर्डेड, और लास्ट कॉलम इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट इफ रिकॉर्डेड, राइट? सबसे पहला डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, राइट? मीनिंग में बताना है आपको, एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है या इनकम है. और एसेट का मतलब हमने बताया है बेनिफिट डिराइव्ड और येट टू बी डिराइव्ड, बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड. और एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट डिराइव्ड, राइट? सो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इट्स एन एक्सपेंस, मतलब बेनिफिट डिराइव्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, राइट?
ठीक है, इज दैट फाइन? इसका जर्नल एंट्री बताइए, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. अच्छा, एसेट मतलब बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड. तो जितना बेनिफिट आप डिराइव कर लिए, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीज होगा, यस और नो? तो एसेट डेबिट होता है, तो वैल्यू डिक्रीज करने से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, इज दैट फाइन? हाँ, तो ये वाला ट्रांजैक्शन, ये वाला जर्नल बुक्स में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, इसलिए तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, यस और नो? अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है इसलिए एडजस्टमेंट में दिया है. तो अपने क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिखाते हैं. तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या आएगा? दो इफेक्ट आएगा. पहला, पीएल डेबिट में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन को, क्योंकि एक्सपेंस है. और सेकंड इफेक्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, यस और नो? ठीक है, हाँ. ये वाला डेप्रिसिएशन बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त डायरेक्ट इफेक्ट, ये जर्नल रिकॉर्ड नहीं हुआ है अभी तक. अगर हो गया होता तो इन दैट केस आपका ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिखता, तो तब अपने क्या करते? नो, पीएल डेबिट में दिखाते. तब सीधा पीएल डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट एंट्री हो चुका, मतलब फिक्स्ड एसेट हैज बीन क्रेडिटेड. तो फिक्स्ड एसेट का लेजर को मैंने क्रेडिट कर दिया है, तो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस अकॉर्डिंगली हैज बीन रिड्यूस्ड. अगर आप ये एंट्री पास कर देंगे, इसका मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है, राइट? आपको खाली डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस दिखाना है. तो अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो दो इफेक्ट, अगर ये एंट्री बुक्स में रिकॉर्डेड है तो फॉलो द मीनिंग. डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या बोलता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस पीएल में आएगा. कोई भी आइटम अगर रिकॉर्डेड है तो उसका मीनिंग देखो, और अकॉर्डिंगली ट्रीट दैट आइटम. क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड है, लाइबिलिटी सीधा बैलेंस शीट में जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? आइए, सो ये हमारा फर्स्ट आइटम हो गया. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन से एक्सपेंस, मतलब एसेट से बेनिफिट डिराइव किया हमने. सो ट्रांजैक्शन क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू फिक्स्ड एसेट. ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है बुक्स में कि नॉट रिकॉर्डेड? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट नॉट रिकॉर्डेड, इसलिए फाइनल अकाउंट में कितना इफेक्ट आएगा? दो, पीएल डेबिट में और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में, राइट? अगर ये रिकॉर्डेड है तब डेप्रिसिएशन कहां दिखेगा? ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पीएल डेबिट में, राइट? अगर रिकॉर्डेड है तब डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिखेगा आपको, मतलब एसेट एडजस्ट हो चुका है, डेप्रिसिएशन को सीधा पीएल में बैठाना, राइट? नंबर टू, सेकेंड, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बताइए, एसेट, वेरी गुड, बेनिफिट डिराइव्ड और येट टू बी डिराइव्ड, वेरी गुड, बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड. अभी तक माल बिका नहीं है, कब कमाएंगे इससे? अगले साल, राइट? तो इस साल के लिए वो एसेट बन गया, क्योंकि इससे फायदा अपने को अगले साल मिलेगा, ये अपना पेट अगले साल पालेगा. तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो डेबिट होगा, हाँ या ना? जनरल एंट्री बड़ा ही सिंपल है. अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा हुआ है? परचेस से, और परचेस तुम्हारे बुक्स में भी क्या दिखाया हुआ है? एक्सपेंस. तो टू परचेस एक्सपेंस को कम कर देंगे हम लोग. बहुत जन बोलता है टू ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख दो,
क्योंकि परचेस को आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग में डाल दिया है, तो आप टू परचेस करने के जगह आप टू ट्रेडिंग अकाउंट भी कर सकते हैं। राइट, इज दैट फाइन? क्लोजिंग स्टॉक एसेट डेबिट होता है, ऑल एसेट एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी इनकम क्रेडिट, सिंपल लॉजिक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट डेबिट, अब ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा हुआ है? परचेस से। परचेस तुम्हारे बुक्स में अभी क्या दिखाया हुआ है? एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को कम करके एसेट दिखाएंगे। राइट, जैसे डेप्रिसिएशन एसेट को कम करके एक्सपेंस दिखाया, वैसे क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस को कम करके एसेट दिखाया जाता है। राइट, तो ये वाला एंट्री रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? तो दो इफेक्ट बताओ, पहला ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जाएगा मतलब ये एडजस्टमेंट है, परचेस से लेस हो रहा है ना, और इसका सही जगह क्या है? समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, जैसे ऊपर वाला में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, ये एडजस्टमेंट है, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कहां जा रहा है? पीएल में। तो हर जर्नल एंट्री में देखना, एक मीनिंग होगा और एक उसका एडजस्टमेंट होगा। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट में टू फिक्स्ड एसेट इज एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। राइट, इसलिए तो एडजस्टमेंट एंट्री नाम दिया ना। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब एंट्री हो चुका है, हाँ या ना? इसका मतलब एंट्री हो चुका है, इसका मतलब परचेज एडजस्ट हो चुका है, हाँ? इसलिए बचपन में मैम बोलती थी, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा तो परचेस के बगल में एडजस्टेड लिखा हुआ आएगा, बोलती थी ना मैम, हाँ? परचेज एडजस्ट होता ना अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, मतलब ये एंट्री हो चुका है, एंट्री हो चुका मतलब तुमने परचेस को डिक्रीज कर दिया ऑलरेडी, तो अब क्लोजिंग स्टॉक सीधा कहां जाएगा? फॉलो द मीनिंग एसेट सीधा। समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, तो हर एडजस्टमेंट एंट्री में एक एडजस्टमेंट होगा, एक उसका मीनिंग होगा। अगर रिकॉर्डेड नहीं है ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डेड नहीं है बुक्स में, तो एडजस्टमेंट करके मीनिंग फॉलो करो, और अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है इसका मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है, सीधा मीनिंग फॉलो करना है। इज दैट फाइन? हाँ, अगर एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है इसका मतलब एडजस्ट करके मीनिंग फॉलो करो। राइट, और अगर बुक्स में ये रिकॉर्डेड है तो खाली मीनिंग फॉलो करना है। इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? नंबर थ्री बोलिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलो। वेरी गुड। अच्छा, ये इस साल का खर्चा है कि नहीं है पहले ये बताओ। इस साल का खर्चा है तभी ना आउटस्टैंडिंग बोल रही हो, हाँ? आने वाले साल का खर्चा आउटस्टैंडिंग, पागल है क्या? जो वक्त आया ही नहीं, वो आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं बेनिफिट डिराइव्ड बट नॉट येट पेड, हाँ? तो ये इस साल का खर्चा है कि नहीं है? इस साल का खर्चा है कि नहीं है? है ना, तो एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्सपेंस को बढ़ाना होगा। पैसा दे दिया क्या? तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लाइबिलिटी क्रेडिट। इसमें से एडजस्टमेंट कौन सा है? एक्सपेंस से जो ऐड कर रहे हैं ना, ये एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होगा। इज दैट फाइन एवरीवन? बड़ा ही सिंपल सा चीज है। सर खर्चा दिखाना और हमने पैसा नहीं दिया है, खर्चा मतलब एक्सपेंस को डेबिट कर दो, बढ़ा दो एक्सपेंस को, एडजस्ट कर दो और फिर लाइबिलिटी दिखा दो। एडजस्ट करके लाइबिलिटी देखो ना, एडजस्टमेंट में प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है। राइट, ये एंट्री रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? तो फाइनल अकाउंट में दो इफेक्ट बताओ, एड विथ
expenses in PL or trading debit. कुछ कुछ खर्चा trading debit में भी होता है. And second effect, balance sheet liability. हाँ या ना? बरोबर है? हाँ? Yes or no? तो अगर ये trial balance में दिख रहा है, मतलब trial balance में दिख रहा है, मतलब adjustment हो गया कि करना है? Adjustment हो गया, मतलब expense के साथ add? सीधा कहाँ दिखाएंगे? समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ? प्रीपेड एक्सपेंस को बहुत जन अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलता है, राइट? प्रीपेड एक्सपेंसेस को बहुत जन, हो गया बोला, उसके पहले अलग करो, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलता है. Is that fine? हाँ, बताओ क्या होगा? Benefit derived or not yet derived? Benefit not yet derived. तो entry बताओ, ये इस साल का खर्चा है कि नहीं है? नहीं है ना? तो expense को कम करना मतलब two expenses. ये adjustment है, हाँ? और प्रीपेड क्या है? समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, जनरल एंट्री एकदम टफ नहीं है. अगर तुमको मीनिंग पता है तो तुमको अकॉर्डिंगली पता है प्रीपेड डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा. प्रीपेड अगर एसेट है तो डेबिट होगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है क्रेडिट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक एसेट डेबिट होगा. क्योंकि और दूसरा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्योंकि दूसरा तो एडजस्टमेंट है ना. आज प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी के साथ एडजस्ट होगा, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी. समझ में आ रहा है? हाँ, बताओ इसका दो इफेक्ट बताओ. पहला ये इस साल का खर्चा है कि नहीं है, तो लेना है कि हटाना है इसको, तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट विथ एक्सपेंस इन पीएल और ट्रेडिंग डेबिट साइड, राइट? और दूसरा बैलेंस शीट एसेट. और अगर तुमको प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में दिखता है, इसका मतलब एंट्री हो चुका, एडजस्टमेंट हो चुका कि करना है, मतलब एक्सपेंस से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो इन दैट केस प्रीपेड को सीधा कहां दिखाओगे? समझ में आ रहा है? फॉलो द मीनिंग. इज दैट फाइन एवरीवन? हाँ, एसेट एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, लाइबिलिटी इनकम ऑलवेज क्रेडिट, राइट? बरोबर है? हटा दें. नेक्स्ट नंबर फाइव लिखिए. एक्रूड इनकम
ठीक है। नंबर फाइव, एक्रूड इनकम, मतलब इनकम कमा लिया कि नहीं कमाया, कमा लिया बट अभी तक, तो क्या है तुम्हारे लिए? वेरी गुड, नहीं अर्नड नहीं बोल सकते इसको, इनकम अर्नड बोलेंगे इसको, कमा लिया, ई ए आर एन ई डी, बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है, था ना? जनरल एंट्री बताओ, एक्रूड इनकम एसेट है पता चल गया, और ये एडजस्ट किसके साथ होगा? जिस पर्टिकुलर इनकम के बारे में बात हो रहा है, तो एक्रूड इनकम टू इनकम, ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? कितना इफेक्ट? पहला एड विथ इनकम इन पीएल क्रेडिट, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट, तो ये जो टू इनकम हो रहा है ये एडजस्टमेंट है, राइट? अगर एक्रूड इनकम तुमको ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो फॉलो द मीनिंग क्या होगा? बैलेंस शीट एसेट, नेक्स्ट प्री रिसीव्ड इनकम बताओ, एडवांस में मिल गया ना, ये होता है अर्नड की अनअर्नड इनकम, कमाया नहीं बट रिसीव्ड, ठीक है, इनकम कमाया नहीं बट रिसीव्ड, बोलिए तो प्री रिसीव्ड क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी है, और एडजस्टमेंट किसके साथ है? इनकम के साथ, सिंपल है ना? हाँ, तो ये वाला एडजस्टमेंट है, इज दैट फाइन? हाँ बताओ, ये रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्डेड है ना, तो इसका दो इफेक्ट आएगा डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में, पहला सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इनकम इन पीएल क्रेडिट, और दूसरा ठीक है
अगर ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में मिला मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है, इज दैट फाइन एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? हा, नेक्स्ट, गुड्स, विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, बोलो क्या है ये? ड्रॉइंग्स मतलब एसेट की लाइबिलिटी, वेरी गुड. नाम है इसका ड्रॉइंग्स, कैटेगरी है इसका एसेट्स. इसका जनरल एंट्री बताओ तो, वेरी गुड. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो टू परचेजेस एडजस्टमेंट है, है ना? टू परचेज क्या है हमारा? एडजस्टमेंट है. तो ये वाला एंट्री रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? नॉट रिकॉर्ड, तभी ना एडजस्टमेंट्स में है. यस और नो? तो नॉट रिकॉर्डेड को कितना बार दिखाएंगे फाइनल अकाउंट में? पहला इफेक्ट इसका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेज, ये तो एडजस्टमेंट हो गया. इसका दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट एसेट में दिखा सकते हैं, बट एक ही आदमी का कैपिटल भी है और ड्रॉइंग्स भी है, तो इसे क्या करते हैं अपने? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल. और अगर आपको ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में दिखता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल होगा खाली. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, बराबर है. नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वेरी गुड. एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी है एक्सपेंस, फाइन. एंट्री बताओ. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो टू परचेज एडजस्टमेंट है. पहला इफेक्ट बताओ इसका, ये नॉट रिकॉर्डेड है ना, तो पहला क्या होगा? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेस, और दूसरा पीएल डेबिट में आएगा एडवर्टीजमेंट, है ना? और अगर एडवर्टीजमेंट ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है, तो सीधा एडवर्टीजमेंट को कहाँ दिखाएंगे? समझ में आ रहा है ना? कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है, इसका मतलब वो डायरेक्ट उसका मीनिंग फॉलो करेगा. Is that fine? ठीक है ना? बोलो, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, नंबर 9, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000,
क्या है बोलो? लॉस एक्सपेंस, वेरी गुड। एंट्री बताओ, पहले जनरल एंट्री, लॉस बाय फायर, लॉस एक्सपेंस डेबिट होता है टू परचेजेस, वेरी गुड वेरी गुड। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? तो दो इफेक्ट बताओ, पहला सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेजेस और दूसरा पीएल डेबिट में लॉस आएगा। और अगर आपको लॉस बाय फायर ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो खाली पीएल का डेबिट साइड में आएगा, मतलब एडजस्टमेंट हो चुका है। तो आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे, क्लोजिंग स्टॉक मतलब गुड्स बिका नहीं, खरीदते वक्त उसको परचेज एक्सपेंस दिखाया था, परचेज को कम करके क्लोजिंग स्टॉक एसेट दिखा दिया, घर ले गया परचेज को कम करके ड्रॉइंग्स एसेट दिखा दिया, एडवर्टीजमेंट परचेज को कम करके परचेज एक्सपेंस को कम करके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ा दिया, जल के राख हो गया परचेज एक्सपेंस को कम करके लॉस बाय फायर दिखा दिया। इसका मतलब अगर कोई गुड्स नहीं बिकता है, जल जाता है और कोई पर्पस में यूज कर लेते हो, सबको हटाओगे परचेज से, कॉमन ट्रीटमेंट है ये, या ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखोगे जैसे क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट देख लेना क्या, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स एसेट, लॉस बाय फायर लॉस, राइट। दस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 इंश्योरेंस क्लेम रुपीज 6,000। बताओ लॉस एक्सपेंस तो है ही, साथ में एसेट भी है, वेरी गुड। इंश्योरेंस क्लेम एसेट भी होगा हमारा, हाँ या ना? बरोबर है हाँ? एंट्री बोलो, एंट्री जनरल एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना? 4,000। इंश्योरेंस क्लेम डेबिट 6,000। टू परचेजेस 10,000, तो 10,000 जल के राखो, उसमें 6,000 मिल जाएगा, 4,000 नुकसान हो गया, ठीक है? तो बताओ ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? पहला इफेक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेज कितना? 10,000। और दूसरा पीएल डेबिट में लॉस आएगा 4,000 प्लस बैलेंस शीट एसेट में आएगा क्लेम 6,000, राइट। और अगर ये एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड है, हालांकि होगा ही नहीं, अगर ये एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड है तो इन दैट केस पीएल डेबिट में लॉस 4,000 प्लस बैलेंस शीट एसेट में क्लेम 6,000। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है, तब आपको ट्रायल बैलेंस में लॉस बाय फायर भी दिखेगा, इंश्योरेंस क्लेम भी दिखेगा अगर रिकॉर्डेड है तो, और परचेज एडजस्ट हो चुका है तो सीधा पीएल डेबिट में लॉस और बैलेंस शीट में क्लेम दिखा देंगे, राइट। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? नंबर 11,
bad debt yet to be written off or further bad debt or debtors include bad debt. अलग अलग लैंग्वेज है. ठीक है, हाँ या ना, बताओ क्या है मीनिंग. लॉस एक्सपेंस कैटेगरी में आएगा. डेटर मतलब होता है गुड डेब्ट्स. डेटर का मतलब क्या होता है? योर गुड डेब्ट्स हैज बिकम. अगर तुम कोई बदमाशी करेगा तो तुम गुड स्टूडेंट से क्या बन जाएगा? तो वैसे ही डेटर भी जब पैसा नहीं देता तो क्या बन जाता है? बैड डेटर बन जाता है. क्या बनता है? बैड डेब्ट्स. तो बैड डेब्ट लॉस है और हमारा डेटर्स बैलेंस को कम कर देंगे. यस और नो? तो फर्दर बैड डेब्ट मतलब ये एंट्री रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? अच्छा, अगर ये एंट्री नॉट रिकॉर्डेड है तो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट. एक तरीका होता क्या है, सारा एडजस्टमेंट का पहले जनरल करो तो ऑटोमेटिकली जैसे तुम जनरल करेगा वो सब ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा. और दूसरा तरीका क्या होता है, जनरल वनरल करने का दरकार नहीं है, जनरल मन में सोचो और डायरेक्ट फाइनल अकाउंट. तो ये एंट्री रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? हम लोग डायरेक्ट फाइनल अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाएंगे. पहला, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स. यस और नो? ये एडजस्टमेंट है डेटर से जो लेस हो रहा है. हाँ, और दूसरा पीएल डेबिट. अगर बैड डेब्ट आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है कहां, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट हो चुका है कि करना है, तो इसलिए बैड डेब्ट कहां आएगा. समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट मतलब एडजस्टमेंट एंट्री हो चुका है, डेटर से एडजस्ट हो चुका है, सीधा कहां दिखाएगा, पीएल डेबिट. और एडिशनल इंफॉर्मेशन में देगा मतलब एडजस्ट करके फिर लॉस दिखाएंगे. इज दैट फाइन? समझ में आया? हाँ, दोबारा नहीं पूछेगा तो ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट फाइन? चलो, हमको हंसाना नहीं आता है, ठीक है. एक दो बच्चा लोग कंप्लेन किया है, बोलते सर आपको हंसाना नहीं आता. हमें नहीं आता हमको. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट. नंबर 12, बताओ क्या है. हाँ, वेरी गुड. इट्स अ लाइबिलिटी. कहने का मतलब होता है कैसा लाइबिलिटी है. करंट लाइबिलिटी तो है नहीं, फ्यूचर. फ्यूचर लाइबिलिटी मतलब कैसा लाइबिलिटी. प्रोविजन का मतलब होता है प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर लॉस. मतलब इट्स अ टाइप ऑफ सेविंग स्कीम. क्या? और सेव अपने किस लिए करते हैं? भविष्य के लिए. तो कल को अगर फ्यूचर में हमको लॉस होता है तो हमको पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, राइट? आज मान लो हमने अलग अलग पर्पस के लिए गुल्लक बना के रखा है, तो कल को कोई मेरे साथ अगर कुछ घटना घटती है तो हमको 10 आदमी के सामने क्या नहीं फैलाना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. हम उस गुल्लक को फोड़ेंगे, अपना काम कर लेंगे. तो वैसे बिजनेस में भी बहुत सारा चीज किया, जैसे डेप्रिसिएशन अपने जो देते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कभी आपने सोचा है? हम लोग जब डेप्रिसिएशन की चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज क्रिएटिंग फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट.
आज 1 लाख का एसेट है, हाँ, डेप्रिसिएशन भी एक टाइप का प्रोविजन है, दिखता नहीं है बट अंदर ही अंदर सेविंग्स चल रहा है। 1 लाख का एसेट है, उसका जिंदगी 5 साल, 1 साल हो चुका, डेप्रिसिएशन कितना 20,000, तो आप अपना प्रॉफिट को 20,000 कम कर देते हैं, बट क्या आपका कैश कम हुआ? डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं ना, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, मतलब आप खाएंगे कम लेकिन कैश कम नहीं हुआ, तो अंदर ही अंदर 20,000 रुपये बच गया। अगले साल फिर आप डेप्रिसिएशन 20,000, फिर 20,000 बच गया, तो ऐसे करते करते 5 साल बाद जब पुराना एसेट को बदलने का टाइम आएगा तो क्या फिर से आपको भीख मांगना पड़ेगा क्या? नहीं, आपने अंदर ही अंदर सेविंग्स कर रखा है। डेप्रिसिएशन आपने अर्लियर ईयर में प्रोवाइड किया, मतलब इट्स अ सेविंग स्कीम फॉर व्हाट पर्पस? फॉर रिप्लेसिंग द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो डेप्रिसिएशन देने का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आप एसेट के लिए पैसा चाहिए आपको, जब उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा तो कहां से आएगा वो पैसा? जो आपने डेप्रिसिएशन दे रहे हैं वहीं से आएगा सर पैसा। इसलिए आप लोग देखेंगे सिंकिंग फंड मेथड बोल के भी है, उसमें जब आप डेप्रिसिएशन देते हो तो उस पैसे को बिजनेस में नहीं रखते, बाहर इन्वेस्ट कर देते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम रखे हैं, सेविंग किए हैं, बट क्या होता है बिजनेस में ही वो कहीं यूज हो गया है, बिजनेस में ही कहीं यूज हो गया है, तो वो रेडिली अवेलेबल नहीं हो सकता है। हो सकता है हमने कोई अपॉर्चुनिटी आया, हमने माल खरीद लिया ज्यादा क्वांटिटी में, अब एसेट को बदलना है, आज 5 साल खत्म हो गया और हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, वो बिजनेस में ही है बट हो सकता है कोई और फॉर्म में हो, गुड्स के फॉर्म में हो या माल बेच दिया हो डेटर के फॉर्म में हो, तो क्या कैसे करेंगे बताओ? तो इसलिए लोग क्या करते हैं, टू बी वेरी सेफ, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद उस पैसे को बाहर किसी थर्ड पार्टी के पास जमा करते हैं, तो 5 साल बाद उनका रकम भी 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है और फिर 1 लाख से वो लोग नया एसेट खरीद लेता है। तो हमारे प्रॉफिट लॉस जो हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते हैं, उसमें कई सारा प्रॉफिट सेट असाइड किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। डेप्रिसिएशन किस लिए कर रहे हैं, जैसे कि 5 साल बाद जब उसका लाइफ खत्म हो तो नया एसेट खरीद पाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट, कल को अगर फ्यूचर में लॉस हो तो उसकी भरपाई हम इस प्रॉफिट से कर पाए, मतलब कल का लॉस का भरपाई आज का प्रॉफिट से किया जाएगा, समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग प्रॉफिट आज ही अलग करके रख देते हैं, तो एक टाइप का ये लाइबिलिटी है, इसको हम छू नहीं सकते, खा नहीं सकते, राइट? वो लॉस होगा तो उस लॉस के वक्त ये प्रॉफिट को हमको देना पड़ेगा, राइट? इज दैट फाइन? हाँ, अच्छा, कैलकुलेट किस पे होता है, कौन से वाले डेटर पे? क्लोजिंग डेटर पे। क्लोजिंग डेटर मतलब गुड डेटर, कौन से वाले? क्लोजिंग पे, क्योंकि यही वाले डेटर से हमको पैसे कब मिलेंगे? आने वाले दिनों में। तो यही चांसेस है, यही वाला डेटर आने वाले दिनों में क्या बन सकता है? बैड डेट बन सकता है, बैड बन सकता है। यही डेटर से आने वाले कल में पैसा मिलेगा, अभी तक ये लोग ठीक ठाक पैसा दे रहा था, यही डेटर आने वाले कल में क्या बन सकता है? तो बैड। यही डेटर आने वाले कल में लॉस बन सकता है, इसी का हम प्रोविजन बनाएंगे आज, ठीक है? तो जो क्लोजिंग डेटर होता है ना, फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद, क्योंकि वो तो करंट लॉस था, वो इस साल का लॉस है, वो ऑलरेडी बैड बन चुका है, तो उसको हटाने के बाद जो डेटर बचेगा उसी से ना पैसा आपको आने वाला साल मिलेगा। कई बार देखेंगे आप डेटर्स में और भी कई सारे एडजस्टमेंट होते हैं, वो सब करने के बाद हमने कोई सेल रिकॉर्ड नहीं किया गलती से तो पहले डेटर को बढ़ा देंगे, कोई बिल्स डिसऑनर हो गया, कोई चेक डिसऑनर हो गया तो हमने पहले डेटर को बढ़ा देना है, उसके बाद हमने प्रोविजन को बनाना है, मतलब प्रोविजन डेटर में लास्ट एडजस्टमेंट होगा, ठीक है? समझ में आया क्यों क्लोजिंग डेटर पे कैलकुलेट होगा? क्योंकि ये डेटर से पैसा कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर में जो डेटर खड़ा है इससे पैसा कब मिलेगा? आने वाले दिनों में। तो यही आने वाले दिनों में क्या बन सकता है? बैड डेट। तो उसी का प्रोविजन, उसी के लिए आज हम प्रॉफिट सेट असाइड करेंगे। तो कैलकुलेट होता है क्लोजिंग डेटर पे, ठीक है? अब इसकी एंट्री बताओ, कैलकुलेट हो रहा है डेटर पे बट ये बनता कहां से है? प्रॉफिट से, क्योंकि हमने मीनिंग पहले ही लिखा दिया था, प्रॉफिट सेट असाइड, राइट? तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अलग से गुल्लक बना लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? तो फाइनल अकाउंट में पहला इफेक्ट बताओ, पीएल का डेबिट में आएगा, दूसरा
subtract from debtors, लेकिन याद रखना only for presentation. आज भी debtor उतना ही है जितना था. उस debtor पे calculate भले ही हुआ हो provision, क्योंकि वही debtor future में bad बन सकता है. But हम लोग जो बैलेंस शीट में जो प्रोविजन लेस कर बैड फर्दर बैड डेट, तो एक्चुअल में लॉस हो गया, वो तो लेस करना ही है. क्या ये लॉस हुआ है? ये डेटर फ्यूचर में बैड बन सकता है ऐसी संभावना हमें लग रही है, उस संभावना को प्रोबेबिलिटी जिसको अपने बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी की दिस डेटर माइट बिकम बैड इन फ्यूचर, एंड प्रोविजन वी ओनली क्रिएट व्हेन दैट प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%. ये आप, मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूं. राइट, संभावना अगर ज्यादा होगी ना लॉस की, तभी आप प्रोविजन बनाते हैं. इक्का दुक्का परसेंट चांस होगा तो आप प्रोविजन यूजुअली नहीं बनाना पसंद करेंगे. राइट, खामो खा मैं क्यों सेविंग्स करूं? इज दैट फाइन? आइए, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बना, कैलकुलेट किस पे हुआ? डेटर पे. बनेगा कहां से? तो प्रॉफिट को कम करके अलग से प्रॉफिट सेट असाइड कर लिया. राइट, प्रॉफिट को मैंने कम कर दिया और प्रोविजन फॉर बैड डेट को बढ़ा दिया. राइट, इज दैट फाइन? सो पहला क्या है? पीएल डेबिट, प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट सेट असाइड हो गया. और दूसरा लाइबिलिटी में दिखाना है, बट अपने डेटर से लेस करके दिखाते, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन. अच्छा, ये एडजस्टमेंट कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त ही सीधा दिखाया जाता है. हाँ या ना? ये कब दिखाया जाता है? क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक प्रोविजन कहां से बनाएंगे आप? पीएल से ही तो बन रहा है ये प्रोविजन. कैलकुलेशन हो रहा है डेटर अमाउंट पे. मान लो हमारा डेटर है 20,000 और 5% का हमारा रेट है, तो प्रोविजन बना कितना? 1,000. तो पीएल डेबिट में 1,000 आएगा और बैलेंस शीट में डेटर्स 20,000 से लेस पीबीडी 1,000, खाली प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए. आज भी डेटर कितना है? 20,000. समझ में आ रहा है? तो ये आपका कभी भी ट्रायल बैलेंस में हो ही नहीं सकता. सर हमारे तो ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है. बेटा वो अभी वाला नहीं है, वो पिछला बनाया हुआ प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन. तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में है ओल्ड प्रोविजन, नया तो हो ही नहीं सकता. नया तो बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ही उसकी एंट्री होती है, डायरेक्ट प्रॉफिट से सेट असाइड होता है. तो प्रॉफिट अगर है ही नहीं तो किस बात का सेट असाइड, बताओ? राइट, तो हमारे ट्रायल बैलेंस में जो होता है वो ओल्ड प्रोविजन होता है. तो हम क्या करते हैं, उसको पीएल का क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, एज सिंपल एज दैट. क्योंकि नया वाला बनाएंगे तो डेबिट में बनाएंगे, पुराने वाले को वापस से ढाल दो, पुराने वाले को वापस से ढाल दो. राइट, इज दैट फाइन? नया होने का तो संभावना ही नहीं है. अपने जो किया ना, इफ रिकॉर्डेड, इफ नॉट रिकॉर्डेड, इफ रिकॉर्डेड, इफ रिकॉर्डेड तो हो ही नहीं सकता नया वाला. राइट, ट्रायल बैलेंस में अगर दिखता है प्रोविजन तो वो कौन सा वाला प्रोविजन है? ओल्ड वाला. तो उसको क्या करेंगे? अपने पीएल को क्रेडिट में दिखा देंगे. इज दैट फाइन एवरीवन? हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, सो वी हैव डन सो मेनी एडजस्टमेंट्स. राइट, हम लोग और भी करेंगे आने वाले क्लासेस में. ठीक है, सो टिल देन, बाय बाय.